बुंदेलखंड अपने प्राचीन मंदिरों, पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासतों के लिए जाना जाता है। सागर मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर रेहली में सुनार नदी का सुरम्य तट है। यहीं पर करीब 1100 साल पुराना ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, जिसे चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। यह मंदिर स्थापत्य कला की शहतीर कला में बना हुआ है। कभी यह मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज इसके भग्नावशेष ही रह गए हैं। रेहली का सूर्य मंदिर वर्तमान में अपने मूल रूप में विद्यमान नहीं है, लेकिन यहाँ संजोकर रखी गई भगवान सूर्य की प्रतिमा, विभिन्न देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं अपने वैभव की कहानी सुनाती हैं। मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति चंदेल कालीन कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। पूरे देश में यह इकलौता सूर्य मंदिर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। पूर्व दिशा की ओर मंदिर का मुख होने के कारण इसका विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे मंदिर पर पड़ती हैं। मंदिर में स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा 7 घोड़ों के रथ पर सवार है। मस्तक के पीछे प्रभामंडल शोभायमान है और अनेक आभूषण धारण किए हुए हैं। सूर्य देव की प्रतिमा के साथ उनकी 2 पत्नियां सूर्यपुत्र अश्वनी कुमार और विद्याधर हैं। बीच में योगासन लगाए हुए चतुर्भुज विष्णु और 2 अन्य देवताओं की प्रतिमाएं हैं। सूर्य के पैरों के बीच पृथ्वी स्वरूप महाश्वेता अभय मुद्रा में खड़ी है। इसके अलावा 8 ग्रहों कुबेर, वरुण और सूर्य के सारथी अरुण भी दिखाई देते हैं। सूर्य मंदिर की दीवार पर स्थित इन प्रतिमाओं का ऐतिहासिक महत्व है। इसमें आपको विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां दिखाई देती हैं। इतनी बारीक नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन्हीं प्रतिमाओं में एक है। मंदिर की पिछली दीवार पर जड़ी है नागयुग्म प्रतिमा। यह प्रतिमा आकर्षण और आस्था का केंद्र है। प्रतिमा में नाग देवता का मुख मानव का है, जबकि कमर के नीचे का शेष भाग नाग का है। नाग नागिन दोनों ही एक दूसरे से कुंडली में गुथे हैं। नागयुग्म की प्रतिमा में मस्तिष्क के ऊपर सर्पों के फनों से बना मुकुट है। प्रतिमा में नागदेव ने कुंडल, केयूर, कंकण और कटी सूत्र धारण किए हैं। धार्मिक दृष्टि से भी इन प्रतिमाओं का विशेष महत्व है। नाग पंचमी पर नागयुग्म की प्रतिमा के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं।